दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि दिल्ली की जनता इस पूरे मुद्दे को आखिर कैसे देख रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है, लेकिन वहीं बीजेपी का ये आरोप है कि दिल्ली में तो एक के साथ एक फ्री का ऑफर दे दिया है केजरीवाल सरकार ने। सर क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। इरशाद जी क्या कहेंगे आज CBI जैसे ही मनीष सिसोदिया जिसको बहुत बेहतरीन जिनको बताया जा रहा है कि शिक्षा नीति वो लेकर आए, बहुत बेहतरीन उप मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल सरकार के, आज CBI पहुंच गई, क्या हुआ ये? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं पूरे भारतवासियों को, ये CBI मनीष सिसोदिया के पास तो आज पहुंची है। अब लंबन लगा है सबका, तकरीबन 40 से 50 विधायक अंदर जाने हैं, ये इतना घोटाला है इनके अंदर। इन्होंने जितना कदम दिल्ली में रखा है उतने ही ज़्यादा घोटाला किया है इन्होंने। शिक्षा में आ जाओ, हाँ एक काम तो इन्होंने सही किया, जो सबसे बड़ा घोटाला किया था दारू के ठेके में, 28,000 करोड़ का घोटाला किया था दारू के ठेके में, 850 ठेके खुलवाने का वादा किया, 1,000 बार खुलवाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और क्या दिया इन्होंने पब्लिक के लिए 30% की महिलाओं को छूट दी कि जाओ आदमी अगर कमाने नहीं जा रहे तो वो अपनी बीबी को पीट के भेजेगा ठेके पर, 1,000 की बोतल 700 में लाएगा। उसके बाद क्या करा, 26 की उम्र में युवा दारू खरीदता था, 21 की कर दी इसने। इतने अच्छे अच्छे काम किए गिनते रहे ना आप, 500 स्कूल बनाने का वादे किया था, एक स्कूल नहीं बनाया, एक स्कूल में एक कमरे की रिपेयरिंग 20 लाख से 24 लाख का खर्च बताया, इसमें भी घोटाला किया इसने। इसने तो अंडा हजारी के साथ घोटाला किया, ये हमें कहाँ छोड़ेगा, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है भाई। इसके तो आपके इलेक्शन में पता चल जाएगा, इसकी 40 सीट इसने, इसकी 30 सीट भी नहीं आएगी पब्लिक। रहा है कि झटका लगेगा चुनाव में, झटका गया इसे, यहाँ के पैसे जितना घोटाला किया दिल्ली से कमाया इसने, पंजाब में इलेक्शन में लगाया, पंजाब में बोला मैं खालिस्तान बना दूंगा, इसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये ऐसे नहीं होगा केजरीवाल जी। पब्लिक चौकस हो गई, समझदार हो गई है, जान गई है जनता, जनाजन जान गई है, तो तुम्हें जवाब देगी आपके इलेक्शन में। आपका क्या नाम है जी, क्या कहेंगे? मेरा नाम सुनील चौहान है। और साहब क्या कहेंगे, आज CBI पहुंच गई, जैसे ही CBI पहुंचती है वैसे ही केजरीवाल जी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि देश को तो केजरीवाल आगे बढ़ा सकता है, भारतीय जनता पार्टी टांग खींच रही है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, वही आरोप लगा दिया बीजेपी पर। आरोप है कि बीजेपी ने CBI को तोता बना रखा और बीजेपी ने फिर से CBI भेज दी वहाँ पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वासियों से भी यही जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज तक 8 साल तक इन्होंने करा क्या है, आज तक इन्होंने सिर्फ करा ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना। देखिए क्या है, इन्होंने चोर मचाए शोर, इन्होंने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ED के उसमें जो है इंक्वायरी में आज भी सत्येंद्र जैन जेल में है, क्या कह रहे थे जी मेरी याददाश्त चली गई है, आज भी वो मतलब जो है मंत्री के दर्जे में दर्ज है। क्या लालच है भैया, क्यों आज भी आपने उसको मंत्री बना, क्यों नहीं हटाया उसको, जब एक मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गया है और उसको अगर नहीं है तो कोर्ट, इसका मतलब आप या तो कोर्ट के मामले पे भी आप विश्वास नहीं करेंगे। ये सब चीज़ जो ना सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जनता जागरूक है, अगर इन्होंने किया है तो ये भुगतेंगे, और ये पहले से पहले शोर मचा रहे हैं, इन्होंने आपसे नहीं पहले शोर मचा दिया था जी मनीष सिसोदिया जी का नंबर आने वाला, क्योंकि इन्होंने घोटाला किया था दारू के इसमें पॉलिसी में, जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, जो प्राइवेट लोगों को इन्होंने टेंडर दिया और एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री। मैं कह रहा हूँ कि क्या माहौल बनाया आपने, क्या मतलब वे दिया आपने दिल्ली को, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को कुछ चीज़ें छोड़ दी थी ना, ये उसको भी पार करने वाले हैं, ये रिकॉर्ड जो है कांग्रेस का भी तोड़ने वाले हैं, ये इन्होंने दर्शा दिया, दिखा दिया कि भी, क्योंकि इनको पता है क्योंकि जो इनका झूठ का जो गुब्बारा है ना, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप एक दो बार काट के आंधी एक आध बार चढ़ा दी आपने, बार बार नहीं चढ़ेगी। अब जनता जागरूक हो चुकी है कि भाई क्या नाम है, ये जो एक लॉलीपॉप जो दिया है ना सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए दिया, लेकिन खेल क्या है इसके पीछे, सिर्फ खेल यही है कि अपनी पेट भरना है और जो कैप्चर करके भ्रष्टाचार, क्योंकि आप एजुकेशन में देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने बोला था मैं हम 500 स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ पुराने स्कूलों में ही उनकी लिपोपोती कर आज जो है उसको जो एक कमरे के इन्होंने ITR जो जब लगाई उसमें पता चला कि एक कमरे के जो उन्होंने कीमत दिखाई है वो 24-25 लाख दिखाई है आप, और वो भी सिर्फ कोई फर्नीचर नहीं, कोई उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ एक कमरे की क्लास का जो है लेंटर डाल के इन्होंने जो है उसका 25 लाख का। आप मैं कहता हूँ कि यहाँ सब इतने लोग तो जागरूक है कि किसमें कितना खर्चा आता है। आम जनता के मन में क्या है आज जिस तरीके से CBI जाँच हुई है? अरविंद केजरीवाल जी तो कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, वो देश की बात तो बाद में करें, उसको देश को संभालने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली को जो नंबर 1 बनाने की बात कही थी उन्होंने,
कि दिल्ली के अंदर हम 500 विद्यालय बनाएंगे, हम 20 डिग्री कॉलेज बनाएंगे, हम 20 अस्पताल बनाएंगे, बना क्या? 11,500 बसें लेकर के आएंगे, आई क्या? एक नहीं आई। और जो इनकी लिकर पॉलिसी है जिसको लेकर के मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई के जो कह रहे जी तोता है भेज दी, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपने हिसाब से साक्ष्यों के आधार पर काम करती है और वो आज ही नहीं करी, 70 सालों से काम करती चली आ रही है। तो सीबीआई को कहीं ना कहीं जो इनकी जो लिकर पॉलिसी लेकर के आए, दिल्ली के अंदर पहले सरकारी जो ठेके थे 200-250 ठेके थे, दिल्ली में किसी ने कहा कि हमें शराब नहीं मिल रही है, हमें और ठेके खोले जाएं, किसी व्यक्ति ने प्रोटेस्ट किया, किसी संगठन ने कोई चिट्ठी लिखी, किसी संगठन ने जंतर मंतर पर जाके कहा कि हमें शराब नहीं मिल रही, भूखे मर रहे, किसी ने नहीं कहा ना। क्या ज़रूरत थी नई लीकर पॉलिसी लाने की? जो नई लीकर पॉलिसी आई उस लीकर पॉलिसी में इतने झोल हैं, पुरानी लीकर पॉलिसी के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता था, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर नहीं हो सकता था, आप मैन्युफैक्चरर भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, होलसेलर भी वही है, वही बनाएगा, वही सेल करेगा, वही बेचेगा। और उसमें इतने सारे झोल इन्होंने कर दिए, शराब पीने की एक आयु 25 वर्ष से घटा के 21 वर्ष कर दी, महिलाओं को ये कर दिया, एक के साथ एक शराब की बोतल बेच, हम एक के साथ एक बोतल हम फ्री देंगे, किसने कहा था ये करने के लिए? पहले से ही संदेह के घेरे में थी, 144 करोड़ का उसके अंदर स्कैम हुआ है और सीबीआई मतलब दूध का दूध पानी का पानी सामने कर देगी, इसमें डरने की क्या बात है? क्यों बौखला रहे हैं वो? बिल्कुल डरने की क्या बात है, महिला मेरे साथ है। अच्छा, आप कैसे देखती हैं जिस तरीके से ये एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल की पॉलिसी यहाँ पर दिल्ली में चल रही है, आज इसी को लेकर जो नीति केजरीवाल सरकार ने बनाई थी मनीष सिसोदिया जी ने, क्या लगता महिलाओं को नुकसान हुआ उस नीति से? हुआ, बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे हैं, किसी के बच्चे गए हैं, नशा छोड़ते नहीं हैं, बहुत नशे में ज़्यादा ही चूर हो रहे हैं, किसी का कहना नहीं मानते, चोरी वगैरह करते हैं, को बोलो तो गाली गलौज भी करते हैं और बोलो तो मारने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शराब बंद हो जाए, नशे की कोई भी चीज़ चालू नहीं होनी चाहिए, बस। यानी बहुत नुकसान हुआ है महिलाओं? नुकसान हुआ। आपका क्या नाम है? विक्की। विक्की भाई, क्या कहोगे, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, ये क्या था? तो आज घोटाला सामने आ रहा है, कह रहे घोटाला कर दिया केजरीवाल जी ने। तो सारे घोटाला है ये, किराएदारों के लिए उन्हें गई थी बिजली, लाल किले पे खड़े होकर गई थी बिजली फ्री करेंगे, मकान मालिकों के लिए बिजली फ्री है, किराएदार के लिए बिजली फ्री नहीं है। तो ये कहाँ से, इन्होंने पहले यही बात बोली थी बिजली फ्री करेंगे, आप इन लोगों से पूछ रहे हो बिजली फ्री है, कहाँ फ्री है किराएदार के लिए, कहाँ फ्री है? 8 रुपये यूनिट 9 रुपये यूनिट ले रहे हैं तो कहाँ फ्री है? जो फ्री दिख रही है तो मिल रही होगी किराएदार को भी है, दारू तो एक पे बोतल ही मिल रही होगी, केजरीवाल दे रहे होंगे तो मिल रही होगी, वो तो मिल रही होगी, उसमें तो कोई वो नहीं है, वो नहीं है, एक के साथ एक फ्री मिल ही रही है, एक के साथ एक फ्री है, जो एक पौवा पी रहा है वो अधा पी रहा है, जो अधा पी रहा है वो बोतल पी रहा है, और जो बोतल पी रहा वो पेटी ले रहा है, वो पेटी ले रहा है, जो अधा पी रहा वो, जो पौवा पी रहा वो अधा पी रहा, जो अधा पी रहा वो बोतल पे आ गया और जो बोतल पे था वो पेटी पे चला गया। रोल स्टेक की बोतल 500 रुपए की थी, अब 500 रुपए की दो मिल रही है तो 250 रुपए की एक बोतल हो गई, तो दो बंदों ने 500 रुपए मिलाया तो दो बोतल हो गई ना। तो यही तो कह रहे हैं केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया काम तो करा दिल्ली वालों के लिए, इतना बढ़िया काम करा, आप कह रहे हो कि वो, इसलिए तो कह रहे हैं बीजेपी विरोध कर रही है इसका। जिनकी औरतें परेशान है उनसे जाके पूछो ना, इधर चिल्लाने से क्या होगा, जिनकी औरतें परेशान है, जिनकी औरतें परेशान है, जिनको रात को नहीं मिल रहा खाने के लिए, दारू के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो बीजेपी करवा रही है, षड्यंत्र रच रही है केजरीवाल के खिलाफ। कि मैं कह तो रहा हूँ इनको हटा के जरा योगी बाबा को रख दो ना, फिर योगी बाबा कर देते हैं फिर ठीक, मैं कोई उससे थोड़ी ना, कोई पार्टी से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील चौहान है। अब सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है कि बीजेपी ये करा रही है, केजरीवाल ने कहा है मेरे साथ दीजिए, देश को आगे बढ़ाने में उन्नति करने में केजरीवाल सक्षम हैं। जो दिल्ली ना संभाल सके वो देश की बात क्या करेंगे, उनको हक ही नहीं, मतलब एक सोच देखो, जो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे वो देश की बात कर रहे हैं। और रही बात सीबीआई की, सीबीआई स्वतंत्र एक संस्था होती है, वो किसी के अंडर नहीं होती, तो ये तो एक किसी को मतलब कहना गलत ही होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। अच्छा, जहाँ तक बात रही बिजली पानी फ्री दिल्ली में देने की, ये देखो ना बिल भी, आप कह रहे हैं ना बिजली फ्री आती है, ये मेरा बिजली का कनेक्शन नंबर है, बिल भी इसमें शायद 100 हो रहा होगा, कितना आया, 1230 रुपये। वो कहते हैं पानी फ्री देते हैं हम, ये देखो पानी का बिल 3470 रुपये, इसी फ्लैट में रहता हूँ आशीर्वाद अपार्टमेंट में। अच्छा जी। हाँ जी, तो भाई साहब ये जनता को जो झूठे वादे कर करके ये सत्ता में आ गए ना, एक बार आ गए दोबारा नहीं आएंगे। नहीं, उन्होंने तो ये कहा ना कि चलो बिजली भी दी पानी भी दिया, आप कह रहे हो फ्री नहीं मिल रहा, लेकिन एक पे एक बोतल तो फ्री दी जा रही थी, कहीं कहीं एक पे दो भी दी जा रही थी। जो युवा एक किसी काम धंधे के लिए जाता बेचारा, वो सुबह से जाके लाइन में लग जाता, आधा आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, किस लिए? एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री लेने के लिए,
बताओ, मतलब उन्होंने उस युवाओं को रोजगार तो क्या देना था, दारू के नशे में, नशे के उसमें झोंक दिया। ये मतलब ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली का? शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, देश को डुबा रहे हैं, देश का नाम नीचे करवा रहे हैं, मेरा साथ दीजिए, नंबर फ्लैश कर दिया आज उन्होंने। उन्होंने कहा मिस कॉल मारो, केजरीवाल जी ने कहा मेरे सहयोग में हो तो मिस कॉल मारो। मोदी जी ने तो पूरे देश को राशन फ्री दिया, केजरीवाल एक दूसरी थैली में दूध थैली फ्री दे देना, क्यों नहीं दिए? देखते तब तो मानते हैं कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। काटे के बैग के साथ ही काटे के बैग खरीदे भाई साहब, कहने के लिए तो कुछ भी कहते, केवल जनता को गुमराह करने के लिए बोल चुके, उसके बाद अब वो दोबारा सत्ता में नहीं आने, चाहे जितना मर्जी बोल ले। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब चुनाव के पहले बोले कि सत्येंद्र जैन को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या सपने आते हैं उनको? अभी मनीष सिसोदिया के बोले कि सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, सत्येंद्र जैन नहीं नहीं कह रहे बीजेपी ने करवाया, नहीं नहीं सत्येंद्र जैन के घर पे जो सब कुछ मिला वो सब आपको पता है। और सत्येंद्र जैन जी ये अब ये कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, मेरी तो याददाश्त चली गई थी। मैं आपको बता दूं, जो आदमी शरीर से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो सरकारी किसी कार्यालय में ना अध्यापक का काम कर सकता है, ना वो किसी क्लर्क का काम कर सकता है। वो क्यों मंत्रालय संभाले बैठे थे? क्यों उन्होंने त्यागपत्र नहीं दे दिया पहले ही? वो तो ये वो वाली बात होगी कि एक पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। राजा ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर था उसे ऐसे हाथ डाल दिया उसने, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनको पहले ही पता चल जाता। इनको ये पता है कि किस किस मंत्री ने चली जाती है, इनको ये पता है किस किस मंत्री ने क्या क्या मलाई खाई है, कहाँ कहाँ घोटाला किया है, वो सब इनको पता है। इसलिए कहते थे अगला मंत्री वो गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि सच्ची में सच्चाई ये भी है, सच्चाई क्योंकि देखो क्योंकि सीधा सीधा केजरीवाल जी को पता है कि कौन से मंत्री ने क्या गड़बड़ की है, तो उसे पहले से पता है इसलिए वो बोलते हैं। अच्छा। सच्चाई यही है, अगर किसी ने नहीं किया होता तो क्यों बोलते? तो ये एक पहले से ही जो है ना चोर मचाए शोर वाली जो कहानी है, उन्हें पता है कि अब जो है ना क्या नाम है, आज ये घोटाला खुला है, कल को दूसरा घोटाला खुलना ही खुलना है, घोटाले लगातार खुलते जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि आज ये कल को वो। केजरीवाल जी कह रहे हैं सबसे बढ़िया मंत्री थे हमारे, शिक्षा में बहुत बेहतरीन काम किया, लंदन में भी मंत्री जी का नाम है मनीष सिसोदिया जी का, बीजेपी को बढ़ता हुआ चेहरा, बढ़ता हुआ नेता अच्छा नहीं लग रहा था, सीबीआई भेज दी। ये इतने तगड़े मदारी हैं, इन्होंने ये पता है कि कहना अगर मेरे पेट में दर्द है तो लोग बीजेपी केंद्र ने मेरे पेट में दर्द कर दिया, मेरे दस्त लग गए तो मैं केंद्र ने मेरे दस्त लगा दिए, मुझे बुखार चढ़ गया तो मुझे केंद्र ने बुखार चढ़ा दिया है। ये इतना तगड़ा मदारी है, मैं आपको बता दूं हर चीज़ में भ्रष्टाचार में लिपते मनीष सिसोदिया केजरीवाल। अभी इन्होंने बोला कि मैं जो ठेके पर जितने इन्होंने जो फ्री का सौदा करा था ना, फ्री का आज तक जिस समय फ्री बांट रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना उठे। अब इसने क्या है, जैसे कोरोना का टाइम चला था, इसने क्या जनता से प्यार नहीं है? जनता इन्हें सोची मुझे फ्री में इन्हें खिलाना पड़ेगा, जनता को बस करी और भगा दे रातों रात, चलो भाई अपने अपने बाहर निकलो दिल्ली से, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम होगी तो हमें देना कहाँ से पड़ेगा, राशन देना पड़ेगा उनके खाने के लिए, सब कुछ देना पड़ेगा। उसने फिर भी इसने एक हज़ार किट का ठेका दिया अपने यहाँ दीपक सिंगला को, बस यहाँ से दीपक सिंगला को 1000 किट का ठेका। 1000 किट का मतलब होगा 100 करोड़। शराब नीति में आप कैसे देख रहे हैं? शराब नीति से तो मतलब ये पंजाब के अंदर तो जाके कहता है कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, और यहाँ इन्हें पंजाब का कहना, मैं यहाँ पंजाब का छोड़े दिल्ली को नशा मुक्त की जगह छोड़ा, नशे में ही डुबा दिया है इसने तो। मैं बताऊँ देश का नाश कर, दिल्ली का नाश कर दिया, और जो हर कोई पंजाब के अंदर कहता कि मैं तीन महीने के अंदर कहना मैं पंजाब को नशा मुक्त करके दिखा दूंगा, आज मुझे बता दो पंजाब भी आपके सामने कितना नशा मुक्त कर दिया। तो कह रहे हैं देश को आगे बढ़ाना है तो केजरीवाल का साथ दो, जनता से अपील करिए। 9511000100 एक नंबर फ्लैश किया है आज, मिस कॉल मारो उस पर, केजरीवाल जी का साथ दो, देश को आगे बढ़ाओ। इसे पता है कि जनता को बेवकूफ बनाए जाओ, फिर का लॉलीपॉप दिया जाओ, जनता तो वाई वाई करके आ गई। इसने एक बार करके देख लिया ना एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जनता इसके बीच में आ गई बहकाए में है। इसने अपने आदमी का, इतना देश दगाबाज आदमी है, अपने साथ का एक भी आदमी इसने, जिसने इस पार्टी को लेकर खड़ा करा, जिस आंदोलन अन्ना आंदोलन के टाइम जिस आदमी ने शांति भूषण प्रशांत भूषण ये आपका कहने में कुमार विश्वास हुआ, अलका लांबा हुई, जितने भी बड़े नेता है ये बेचारे, इसने क्या करा सबको साइड करते चले जाओ। अन्य योगिंदर यादव को बहुत बड़ा रोल था,
है, आज तक भी एक आदमी को ये बता दो कहना में एक आदमी को इज्जत मिलती हो, पूरा कहना में एक हाथ एक पैर पर चलने वाला कहना में क्या नाम है उसका गोपाल राय, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष, अरे प्रदेश अध्यक्ष की अगर वैल्यू देखनी है ना हमारे भाजपा के अंदर आकर देखो क्या होते हैं प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष वैल्यू, कांग्रेस के अंदर कहने में देखो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसे बेचारे कुछ ना पीछते यूज कर रहे फेंके जनता को, जनता में गुस्सा है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की आज रेड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पड़ी है, उसके बाद ही केजरीवाल ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, सीबीआई गलत तरीके से वहां पर रेड मार रही है, कुछ मिलने वाला नहीं है, जनता हमारी पार्टी का साथ दे, उन्होंने एक नंबर भी फ्लैश करा। लेकिन हम जनता के बीच पहुंचे, दिल्ली के वो लोग हैं जिन्होंने केजरीवाल जी को वोट देकर सत्ता में बिठाया था। लेकिन ये जो आबकारी नीति है, एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ दो बोतल फ्री की नीति ने दिल्ली को नशे में डुबोकर रख दिया, जनता का ये कहना है। और अब जनता ने जो कहा वो आपने सुना, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली से।